आपका क्वेश्चन है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ एन इक्वेशन हूज nth टर्म आर। देखो क्या इंडिकेट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ए एन इज इक्वल टू 5n-4 और इंडिकेट किया है ए 12 एंड ए 13, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए 12 एंड ए 13 ओनली। ठीक है नाउ तो देखो क्या करना है आपको। फर्स्ट हम निकालेंगे ए 12, तो ए 12 तो दैट मीन्स हमने क्या किया एन की जगह पे 12 डाल दिया, तो दैट इज इक्वल टू 5 × 12 − 4, तो 5 × 12 इज 60, 60 − 4 तो कितना हो गया 56 निकल गया। फिर हमको निकालना है ए 13, तो ए 13 हम कैसे निकालेंगे, सेम ए 13, तो अब एन की जगह पे वी विल पुट 13, तो आपका आ गया 5 × 13 − 4, तो 5 × 13 इज 65 − 4, दैट गिव्स यू 61। ठीक है नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। ए एन इज इक्वल टू 3n − 2 / 4n + 5, अब आपको निकालना है ए 7, तो इंस्टेड ऑफ एन वी विल पुट 7, तो आपका देखो क्या आ जाएगा ए 7 इज इक्वल टू 3 × 7 − 2 / 4 × 7 + 5, तो कितना आ गया 3 × 7 = 21 − 2 / 4 × 7 = 28 + 5, तो 21 − 2 = 19 एंड 28 + 5 = 33, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या कहा है देखो A8, तो इंस्टेड ऑफ एन वी विल पुट 8, तो देखो क्या आ रहा है आपका A8 दैट इज इक्वल टू 3 × 8 − 2 / 4 × 8 + 5, तो 3 × 8 = 24 − 2 / 4 × 8 = 32 + 5, तो अब आपका 24 − 2 = 22, नाउ 32 + 5 = 37, तो इस तरह से आपको इसको निकालना है। ठीक है